हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सेटेलाइट से पहले हम डिस्कस करते हैं सेटेलाइट होती क्या है। सेटेलाइट जो हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल सेटेलाइट होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है, नेचुरल सेटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सेटेलाइट और नेचुरल सेटेलाइट, सेटेलाइट जो बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द प्लैनेट। अराउंड द प्लैनेट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहा जाता है। और उनकी डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट टाइम पीरियड होता है फॉर द रिवॉल्यूशन अराउंड द प्लैनेट। प्लैनेट के अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहा जाता है। सेटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन फिक्स ऑर्बिट। सेटेलाइट जो है ऑर्बिट तो करती है पर वो फिक्स ऑर्बिट में रोटेट कर रही होती है। ऐसे नहीं कि दो सेटेलाइट आपस में कोलाइड हो जाएं, उनका फिक्स ऑर्बिट होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, डिफरेंट स्पीड होती है। तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटेलाइट। हमारे पास कितनी सेटेलाइट है, दो टाइप है सेटेलाइट के। कौन कौन से, एक तो हमारे पास है नेचुरल सेटेलाइट और दूसरा हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नेचुरल सेटेलाइट है और दूसरा हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो ये दो तरह की सेटेलाइट है जो हमारे ऑर्बिट कर रही होती है डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो अब नेचुरल सेटेलाइट के अंदर हमारे पास कौन आ जाता है, मून। जो हमारे पास क्या है, एक नेचुरल सेटेलाइट है मून। जो क्या है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो प्लानट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ये नेचुरल सेटेलाइट कहा जाता है। नेचुरल सेटेलाइट जिससे कि हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, दीज आर द हेवनली बॉडी। हेवनली जो बॉडीज होती हैं रिवॉल्व, दीज आर द हेवनली बॉडी जो रिवॉल्व कर रही होती है, हेवनली बॉडीज दैट दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अराउंड द प्लैनेट, रिवॉल्व करें तो उनको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट्स कहा जाता है। अराउंड द प्लानेट, डिफरेंट जो प्लानेट है प्लानेट की, जैसे अर्थ के अराउंड, अर्थ एक प्लानेट है, अर्थ के अराउंड कौन मूव कर रहा है, हमारे पास मून मूव कर रहा है, तो मून एक क्या है हमारे पास, नेचुरल सेटेलाइट है। इसी तरह डिफरेंट प्लानेट है, जुपिटर है तो जुपिटर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट है, नेचुरल सेटेलाइट। सबसे ज्यादा जो सेटेलाइट है वो किसके पास है, मून, जुपिटर के पास है। जुपिटर के पास ऐसे में 62 और 67 के करीब सेटेलाइट है। ऐसे ऐसे जी जैसे रिसर्च नई होती जा रही है वैसे वैसे नई सेटेलाइट डिस्कवर होती जा रही है डिफरेंट प्लानेट के ऊपर। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, जुपिटर जो प्लानेट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा सेटेलाइट रिवॉल्व करती है प्लानेट। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सेटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल सेटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट होती हैं, दीज आर फॉर द डिफरेंट पर्पज के लिए। एक मशीन होती है जो लॉन्च की जाती है स्पेस के अंदर बाय यूजिंग मल्टी स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज रॉकेट को यूज करते हुए हम इन सेटेलाइट को स्पेस के अंदर भेजते हैं और ये क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ और अदर प्लानेट इन स्पेस, और या कोई और प्लानेट हो अर्थ के अराउंड, उनके अराउंड ये क्या करेंगी, रिवॉल्व करेंगी, उनको हम क्या कहते हैं, ये सिंपल एक मशीन होती है। मशीन होती है जो हमारे सिस्टम के साथ, जो अर्थ के ऊपर सिस्टम होगा उनके साथ कनेक्टेड होगी और ये क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे मूव अराउंड द अर्थ, या तो फिर कुछ ऐसी सेटेलाइट जो मूव करती है अराउंड द अर्थ, करती है मूव अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड मूव करे, या किसी और प्लानिट के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए हम सेटेलाइट को लॉन्च करें। तो फर्स्ट जो सेटेलाइट जो लॉन्च की गई थी वो सोवियत यूनियन ने सेटेलाइट लॉन्च की थी। किसने बेटा, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी। सोवियत यूनियन ने लॉन्च की है, कब लॉन्च की है इनने, ये 1957, फर्स्ट जो सेटेलाइट जो लॉन्च की है सोवियत यूनियन ने की है 1957 के अंदर फॉर द डिफरेंट पर्पस। ठीक है, ये वर्ल्ड फर्स्ट सेटेलाइट जो लॉन्च की है, वर्ल्ड फर्स्ट सेटेलाइट, वर्ल्ड की फर्स्ट सेटेलाइट जो लॉन्च की गई है, वर्ल्ड फर्स्ट सेटेलाइट जो कब लॉन्च की गई है, 1970 में, 1957 के अंदर लॉन्च की गई है। ठीक है, इसी तरह उसके बाद नंबर ऑफ सेटेलाइट, थाउजेंड्स ऑफ सेटेलाइट आर
सेंड टू द स्पेस फॉर द डिफरेंट पर्पज, लाइक ए कम्युनिकेशन पर्पज। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी सेटेलाइट है कम्युनिकेशन के लिए। आजकल हमारी जो टेलीफोन टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, ये किसकी वजह से हुई है? कम्युनिकेशन सेटेलाइट की वजह से हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, इतनी आसान हो चुकी है कम्युनिकेशन। विद इन सेकेंड किसी और कंट्री से हम बात कर सकते हैं। तो ये किस सेटेलाइट की वजह से ही है। हम जीपीएस सिस्टम देते हैं, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम, जिससे हम अपनी लोकेशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इसको क्या जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये भी एक सेटेलाइट की वजह से ही है। कौन सी? आर्टिफिशियल सेटेलाइट का पर्पज़ है, यूज़ उसका यूज़ करने के तरीके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सेटेलाइट है कम्युनिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्ट के लिए भी हमारे पास सेटेलाइट यूज की जाती है, वेदर फोरकास्टिंग। या फिर हमारे पास नेविगेशन पर्पस के लिए भी हम सेटेलाइट यूज करते हैं। किसके लिए बेटा? नेविगेशन, डिफरेंट शिप वगैरह को नेविगेट करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं, नेविगेशन पर्पस के लिए। या मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज की जाती है, मिलिट्री पर्पस के लिए भी हम सेटेलाइट को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे पहले रेडार यूज किया जाता था, ठीक है। अब ये कौन सी चीज यूज की जाती है हमारे पास? सेटेलाइट यूज की जाती है फॉर द डिफरेंट पर्पस, मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। या फिर थर्ड वन जो है, स्पेस के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है उनको एनालाइज करने के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए भी हम क्या है, सेटेलाइट को, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो होते हैं ना, उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सेटेलाइट यूज की जाती है। स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सेटेलाइट की। कौन सी बेटा? आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जो उसके अराउंड रिवॉल्व करती है और हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो सेंड करती है टू द अर्थ। तो हमें पता नेविगेशन सिस्टम के लिए हमारे पास कौन सी सेटेलाइट है, जीपीएस, जो अभी हमने कहा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये नेविगेशन से, ये जो सिस्टम हमें नेविगेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, नेविगेशन के लिए, नेविगेट करने के लिए हमारे पास जो हेल्प करता है, हमारे पास कौन सा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सेटेलाइट जो नेविगेट करती है, ये सेटेलाइट को हम ऐसे भी सेटेलाइट फॉर द नेविगेशन भी कह सकते हैं, सेटेलाइट फॉर नेविगेशन भी इसको कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास सो मेनी सेटेलाइट विच आर यूज टू ऑब्जर्व एनालाइज द डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस। स्पेस के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेटेलाइट की हेल्प लेते हैं। तो ये सेटेलाइट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। इसको अब इस सेटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक तो रिवॉल्व करने की, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम सरफेस के ऊपर छोड़ते हैं वो गिरता है, पर सेटेलाइट अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रही है, इट नीड सम फोर्स विच रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। ये क्या है, कुछ फोर्स रिक्वायर्ड करके, जिसकी वजह से ये क्या है, इजीली इसके ऊपर रिवॉल्व करे। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीपेटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। मीन जो सैटेलाइट को जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो इनको क्या करती है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है। और उस फोर्स की वजह से ये क्या है, सैटेलाइट जो इजीली इसके अराउंड क्या कर सकती है, रिवॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सैटेलाइट जो है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, एक ऐसी फोर्स जो हमेशा कहां पर लगे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सेटेलाइट यूज की जाती है। दूसरी सेटेलाइट जिसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहा जाता है, जियो स्टेशनरी। अब जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं, जैसे अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ के रोटेशन के साथ इसका रोटेशन और अर्थ का रोटेशन सेम होता है, सेम। जैसे अर्थ, जैसे आप कह लें दो बाइक जा रही है एक दूसरे के सेम स्पीड से जा रही है, तो एक दूसरे को क्या फील करेंगी, रेस्ट में फील करेंगी। तो अर्थ के अराउंड जो, जैसे अर्थ घूम रही होगी वैसे वैसे सेटेलाइट भी घूम रही होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। वेलोसिटी जो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू, इन दोनों के मुताबिक इनकी वेलोसिटी क्या है, सेम होगी, ठीक है। हमारे मुताबिक नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
इन दोनों के जो फ्रेम और रेफरेंस क्या है, मोशन के अंदर है, सेम स्पीड से सर मूव करें तो इनकी जो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, कोई भी जियो स्टेशनरी अगर वेलोसिटी जीरो है तभी हम इसको क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या, वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी एज कम्पेयर टू विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के मुताबिक उसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी जो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट, इट इज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, इट इज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ जो होगी वो क्या होगी, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो। अर्थ के विथ रेस्पेक्ट देखें तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो हमें इसको इन अदर वर्ड सेंक्रोनाइज एक वर्ड यूज होता है, जब दो बॉडी की स्पीड सेम कर देते हैं ना, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, सेंक्रोनाइज भी यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेटेलाइट है जो यूज की जाती है डिफरेंट पर्पज के लिए। मिनिमम तीन सेटेलाइट हमें चाहिए होती है, जो एक मिनिमम, ज्यादा तो बहुत सारी हो सकते हैं, मिनिमम हम तीन सेटेलाइट को यूज करते हैं अर्थ को कवर करने के लिए। ऐसे 120 डिग्री के एंगल के ऊपर तीन सेटेलाइट जो यूज की जाती है, 120, यहाँ पर 120 पे कवर करेगी, यहाँ पर मिनिमम तीन है, उससे ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम थ्री सेटेलाइट विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सेटेलाइट हमारे पास रिक्वायर्ड होती है जो इसको कवर करने के लिए। तो अब इनको, अब क्या है कि मैंने कहा जैसे सेटेलाइट जो ऑर्बिट करती है, आपने डेफिनेशन यहाँ पर हमने बताई है कि इन अ सेटेलाइट ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट विद फिक्स ऑर्बिट। अगर फिक्स ऑर्बिट में के अंदर रिवॉल्व कर रही है, इट रिक्वायर सम ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये जब फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है तो इसके पास क्या होगी बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो उसको वेलोसिटी चाहिए होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। हाँ, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने यहाँ पर देखा कि सेटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए दो चीजें लाजमी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको क्या करेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, तभी वो क्या करे उसके अराउंड इजीली मूव कर सकती है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर होगा। तो हम कैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, अगर किसी भी सैटेलाइट को अगर अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करना है, इतनी स्पीड के साथ रिवॉल्व करना है, तो हम उसका डिस्टेंस कितना रखें, तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो इस टॉपिक से सेटेलाइट के साथ रिलेटेड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट, जो हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा। इससे पहले हमने वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड पढ़ा है, अगर वो लेक्चर आपने ना देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, वहां से आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक फिजिक्स विथ के लाल खत्री। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।